दोस्तों, मैं अविनाश, आपका कॉन्सेप्ट और मैथ्स में स्वागत है। ये जो क्वेश्चन से अगेन कैंसिलेशन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी आयत या वर्ग की लंबाई में x प्रतिशत वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में y प्रतिशत की कमी की जाती है, मतलब लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को कम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का परसेंटेज सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, इस केस में जो फाइनल जो एरिया आपका क्षेत्रफल बन जाएगा उस आयत या आपका वो वर्ग, उसका एरिया जो होगा वो पहले से एरिया से कितना परसेंटेज घट जाएगा। इस इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप डायरेक्टली आप ये मतलब करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई 100, ये इतना परसेंटेज होगा जो रिजल्टेंट जो फाइनल जो क्षेत्रफल होगा वो आपका घट जाएगा। इसको कॉमन एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझ रहे हैं। सपोज दिया हुआ है कि हमारे पास आयत है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, लंबाई को हमने 4% बढ़ा दिया है, चौड़ाई को 4% घटा दिया है, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास एरिया होगा वो कितना परसेंटेज घट जाएगा। तो एक्स की वैल्यूज यहाँ पर हम 4 पुट अप करेंगे और वाई की वैल्यूज हम 2 पुट अप करेंगे इस एक्सप्रेशन में। सो 4 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 100 और परसेंटेज कर लेंगे, तो जो सिंप्लीफाई करके हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट एरिया इतना परसेंटेज घट चुका होगा।